रात अंधेरी है, लेकिन पता नहीं आज बिल्ले के घर पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। लो, गड़बड़ का नाम लिया, गड़बड़ हाजिर। अच्छा है। मेरे को बहुत भूख लगी है बाबा, अभी मस्त बिल्ले का फ्रिज खोल के मैं खाना खा जाऊंगा। और बाबा ये देखो खाना, ये चिकन बहुत वजन है बाबा, मैं तो थक गया, कितना खाना उठा लिया रे। ये चल चपलू, अभी तेरे को भी चिकन के साथ उठाता हूँ और फेंक देता हूँ। चलो अब सबका पेट हुआ भारी, कॉकरोच गैंग की निकली सवार। वाह क्या बात है, कॉकरोच खाना लेकर चले गए लेकिन फ्रिज खुला ही छोड़ गए। ये क्या, फ्रिज के अंदर बर्फ जमने लगी, ये तो फ्रिज के बाहर फैलने लगे। अब ऑगी के पूरे घर में बर्फ है, घर के अंदर भी बर्फ है, बाहर भी बर्फ, पूरे मोहल्ले में बर्फ, पूरी पृथ्वी पर बर्फ है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। अच्छा है। अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है? ये आवाज कैसी? भैया कितनी जोर से खर्राटे ले रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है भैया, खर्राटे लेना अच्छी बात नहीं है। ये क्या? ओए, ये क्या हो गया? पता नहीं भैया, मुझ पर बर्फ का पहाड़ कैसे टूट पड़ा। वो तो ठीक है, पर ये हुआ कैसे? ओए, ये तो सब जगह बर्फ ही बर्फ फैल गई है और मेरे पेट में सब जगह भूख फैल गई है। जरूर फ्रिज में कुछ रखा होगा। इसमें तो सिर्फ एक गाजर है, उसका क्या करेंगे? भूख लगी है भैया, मुझे तो वो गाजर चाहिए। ठीक है, मुझे मेरे हथियार निकालने पड़ेंगे। मैं इस बर्फ को तोड़ दूंगा लेकिन तेरे लिए ये गाजर निकाल के ही रहूंगा। लगता है बर्फ ढीली हो गई है, अब इसे निकालता हूँ। देख, पूरा का पूरा बर्फ ही निकाल दिया। पता नहीं भैया का क्या करने का इरादा है। ओगी, तू देख, मैं इस बर्फ को तोड़ के ही दब लूंगा। पर कैसे? जोर लगा के, मैं इसमें मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा। सच में हो रहा है भैया, जोर लगाइए थोड़ा और। ओए लगाई तो रहा हूँ, मैं तो जोर लगाते लगाते थक गया, लेकिन तेरा गाजर सही सलामत निकाल दिया। मामू गाजर इधर ना, कहाँ गया? कॉकरोच लेकर भाग गए भैया। ओए इस बर्फ की तरह इनको भी तोड़ दूंगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे उठूंगा नहीं, बैठ जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए भैया। तू क्या कर रहा है? मामू क्या पोज दिए? पोज नहीं, मेरा बैलेंस लूज हो रहा है। हंसना छोड़ो और आगे देखो रे बाबा। मैं तो चिपक गया, गाजर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो टुकड़े ही सही, पर खाने को तो मिला। खा ले, खाते वक्त बोला नहीं करते। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, क्या करूं? मेरी गड्डी, टेबल टेनिस का टेबल, आइडिया। निकल गई मेरी गड्डी। बाय भैया। बर्फ हट जाएगी क्योंकि मैं गड्डी लेके निकला हूँ। ओए रुक जा, यही सही जगह है, शायद यहीं पर नीचे नदी है। चल जैक, अपने भाई की भूख मिटानी है, अपने नाखून से जमीन का सीना चीर के मैं मछली पकड़ूंगा। चल मछली, फंस जा मेरे जाल में। ओए भाई साहब, ये बर्फ आपने फेंका? गलती से फेंक दिया होगा। अब मैं गलती से तुझे उठा के फेंक दूंगा। चल आजा मछली मेरे कांटे में। ओए इसने तो मेरा कचुंबर बना दिया। दिन ढल गया, हो गई शाम, बर्फ में बिल्ले की हालत जाम। कोई मौका सही है निकल ले यहाँ से। ओए भाग अपनी गड्डी की तरफ भाग। बच गया ठंड से। भाई साहब बाहर बहुत ठंड है, जरा हम सबको भी गाड़ी के अंदर ले लो। वहाँ क्या मजबूत चौड़ है, कभी टूटेगा नहीं। चलो किसी तरह घर आ गए। मामू हम लोग का पीछा छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई तो पकड़ो। तेरे को कौन पकड़ेगा बाबा?
उसका पता नहीं, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अरे मामू कैसा है? मैं ठीक हूँ, पर तुम लोग नहीं रहोगे। भैया आपने मुझे बचा लिया। भैया तुझे तो मैंने बचा लिया, पर हम दोनों को कौन बचाएगा? पीछे देख, ये हमारे मेहमान हैं। तुम लोग दोनों घर से बाहर निकल जाओ। ओए भैया, आपके मेहमानों ने तो हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। गाड़ी के अंदर चल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी भैया। सिर्फ तुझे ही नहीं बिल्ले, सबको ठंड लग रही है, सब ठंड से कांप रहे हैं। अच्छा है, वाह क्या बात है, फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं, सारी ठंड भाग गई, पूरी बर्फ की चादर हट गई। ये क्या, चारों तरफ पानी ही पानी। अच्छा है। अरे ऑगी और जैक की गड्डी तो विदाउट ब्रेक और गियर आगे जा रही है, क्या बात है। ये क्या हो गया, ये दोनों बिल्ले शांति से क्यों सोए हैं अब तक, कुछ हुआ क्यों नहीं? ऑगी उठ जा, देख सामने क्या है। क्या है ये, क्या ये जहाज तो बिल्ले की गड्डी से टकराने वाली है। ये पेपर मैंने उठा लिया ना बाबा। दे दे मेरा पेपर, मुझे वापस दे दे। ये सब क्या चल रहा है, दे दे मुझे। ले ले, लेकिन टकलू के पास से। अरे ये क्या कर दिया तूने, मुझे तो सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या, पेपर पड़ा हुआ है और आसपास कोई नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं पता, अगर कोई सच में आसपास नहीं है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के इस पेपर को। कौन इतनी जोर से एम्बुलेंस जैसे चिल्ला रहा है? सॉरी एम्बुलेंस इट इज। ओगे तू ठीक तो है ना? ओए नहीं ओए, ये तुझे क्या हो रहा है, तेरी हालत तो खराब होते जा रही है। ये कौन सा वायरस है तेरे अंदर? ये क्या, तेरे नब्स तो आपस में वीडियो गेम खेल रहे हैं। नब्ज नहीं मामू, अपुन खेल रहे। अरे बबलू ये देख, मैं भोपू के अंदर जाऊँ, देखा जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं देखता हूँ वो मैं करता हूँ। आज बहुत लाइट खाना खा रहे। वाह क्या बात है, कितनी शांति है अस्पताल में। ओए लो आ गई अशांति। ओए मेरे भाई को बचाओ प्लीज। डरने दे लोगों को, लेकिन मैं नहीं डरता, आज मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगा। ओकी डोंट वरी। आई एम डॉक्टर हजामत सिंह कारपेंटर। डॉक्टर हजामत सिंह, ये रहा मेरा भाई, इसके चेहरे की हजामत बनानी है। अरे इसके चेहरे की तो पहले से ही हजामत हो गई है। हाँ इसके चेहरे को बिल्कुल पहले जैसा बना दीजिए। आज इस बिल्ले की हजामत करके ही रहूंगा। भीड़ू इसके चेहरे की बैंड बजा डाल। रेडी? हाँ तो कैसा बनाना है इसको? मुझे तो इस डॉक्टर को देख के बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं ये क्या करेगा। ओए नहीं ओए, ये क्या कर रहा है, मुझे तो देख के डर लग रहा है, पता नहीं ऑगी का क्या हो रहा होगा, मुझसे देखा नहीं जा रहा सब। ऑगी सही सलामत पहले जैसा बनकर वापस आ जाए। मिस्टर जैक कम हियर, इसके चेहरे की हजामत हो गई है, ये रहा इसका नया पहले जैसा चेहरा। ये क्या, तो कैसा लगा इसका नया पहले जैसा चेहरा? कौन सा चेहरा, कैसा चेहरा? डॉक्टर ये किसका चेहरा लगा दिया इसको? ये क्या, तुमने जो चेहरा दिया वही तो है। कितने दिनों बाद बाहर की दुनिया देखी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ? ये क्या हो रहा है, सब लोग भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है मुझ में, मुझे भी तो बताओ। नहीं हम लोग बताते हैं मामू। ये कौन है? तू ही है मामू, निकल ले भीड़ो। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। पकड़ूंगा लेकिन कैसे, इस चेयरमैन को मैं न्यूटन बना देता हूँ। ये क्या, पेशेंट इन द कुंडी एंड बिल्ला प्लेइंग घसर गुंडे। अच्छा है, तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा, तो मैं आ गया। अरे ये बहाने के साथ सच्चा भाभी गया बाबा। इसका बिगड़ा हुआ चेहरा फिर से बिगड़ गया।
इसे इसी तरह बनाना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने ये केस अपने हाथ में लिया। अब बना ले चेहरा। अरे जब मुंह ही नहीं है तो कैसी हजामत कर रहा है? मिस्टर जैक, अगेन कम हियर। इस बार विदाउट एनी गलती इसका नया पहले जैसा चेहरा हाजिर है। इसका तो चेहरा ही नहीं है, या मेरी आंखें नहीं है। ओए डॉक्टर, ये तूने क्या कर दिया? जो फोटो दिया वही तो बना। मेरा चेहरा कहाँ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर अशांत है लेकिन बाहर कितने शांत है। ओ सॉरी, अब मचेगा शांत। मिल गया नया चेहरा, बिल्ले को चिकना बना लो। हजामत सिंह कारपेंटर, हजामत शुरू करो। किसी ने बड़ा ही सही नाम रखा है, ये तो सच में कारपेंटर है। ठोक दे चेहरा, ठोक। चलो थोड़ी बॉम्ब थेरेपी और ये नया पहले जैसा चेहरा तैयार। नया पहले जैसा चेहरा हाजिर है। ये कौन सा चेहरा लगा दिया? रुक जाओ बहन जी, बोलने से पहले देखो है कि नहीं बिल्कुल फोटो जैसा। ए, मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरे पीछे क्यों लगी हो? मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन मामू अपन आ गए। अरे सिस्टर लो, अपन का ब्रदर इधर ही है। चुप रहना, मुझे छोड़ दो। लेकिन अपन को पकड़ो। न्यूटन इन द कुंडी, अब तू फिर से चेयरमैन बन जा। बच गया। मामू कब तक छुपेगा कुंडी की आड़ में? कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। मुझे नहीं जाना। वाह क्या बात है, बिल्ला हुआ बिल्डिंग के आर पार, नर्सों ने किया उस पर फ्रेंडशिप का वार। अच्छा मामू, अभी तेरे चेहरे की तो बैंड बजानी पड़ेंगी। संभाल ले मामू। मेरे चेहरे के तो नूडल्स बन गए दो मिनट में। ये ऑगी कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ भैया। चल हम लोग तुझे एक और नया चेहरा लगवाते हैं, पहले वाला। इसका मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, इसे देख के बिल्कुल ऐसा चेहरा बनाना, समझे? चलो ऑगी की हजामत शुरू हो गई, और तुम लोगों ने इस बार कुछ किया तो मैं तुम्हारी हजामत कर दूंगा। इस बार आखिरी बार पहले जैसा नया चेहरा। अरे मैं तो इसकी नाक लगाना ही भूल गया, लेकिन वो मेरे पास तो जल्दी से लगा दीजिए। अब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं तो हद से ज्यादा ठीक हूँ। हे सुंदरियो, अब मेरे पास आओ। अरे ये बार बार अपनी नाक कटा लेता है भाई। ये मेरी बचपन की आदत है। लेकिन मैं तो बचपन का हूँ। चल अब शांति से घर चलते हैं और तेरा ये नया मुंह मीठा करते हैं। मुंह तो मीठा तब करेगा जब मेरा मुंह बचेगा। अल्लाह बोल दिया ना बाबा। हट जाओ सामने से, हट जाओ। हजमत सिंह कारपेंटर तैयार? डॉक्टर साहब, आपका नया पेशेंट भी तैयार है। ओए डॉक्टर, मेरा घायल चेहरा पहले जैसा कर दे। राजा तेरी हजामत करता। चलो अब एक नए चेहरे पर हजामत के ठोक पेट शुरू। अच्छा है। सुंदर नर्स लोग अपन आ रहे हैं। चेहरा किसी और का है लेकिन दिल तो अपन का ही। चेहरा लगता है डॉक्टर कारपेंटर के पास नया केस आने वाला है। आज क्रिसमस की रात है, सेंटा क्लॉज आएगा। मैंने तो उसके आने की सारी तैयारी करके रखी है। बीडू, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ बस रोक दो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाके आता हूँ। इतनी पतली चिमनी इसमें से कैसे जाऊंगा? चल हट, अपनी वाली लगाओ। चलो चलो, ये क्या, ये चिमनी भी पतली है। सेंटा आ रहा है बीडू। सेंटा पर हमला, वो भी नीचे से। डायरेक्ट नीचे जाओ। ये कौन गिरा? तेरा सेंटा क्लॉज गिरा। ए सेंटा जी, अब आपकी हालत कैसी है? क्या बताऊं बेटा, बहुत बुखार है। देखा बेटा, ऐसी हालत है मेरी। आपकी हालत इतनी खराब है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। चलिए देखते हैं आपको कितना बुखार है। तू मत चेक कर बुखार, वो मैं खुद देखता हूँ। ओके जैसा आप कहे। अरे तो उधर मुंह कर, तेरे सामने करूं क्या? अब जब तक मैं ना कहूं यहां मत देख। आ बहुत दर्द है। ए, ये क्या हुआ? देखा मुझे कितना बुखार है। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
ये टोपी पहन, दाढ़ी लगा, ये चाबी ले और तू ही सांता बन जा। मैं सांता? हे, मैं सांता। हे हिरनो, तैयार हो जाओ, तुम्हारा सांता आ गया। चलोगी गाड़ी शुरू कर और उड़ जाओ। हे, भाई पहली बार गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा नहीं उड़ने का। ओके भाई, इस बार नो मिस्टेक। नहीं, कोई गलती नहीं होगी। फिर से उड़ गया। ये बहुत उड़ रहे हैं भिड़ू। रुक जाओ, यहाँ पे मुझे गिफ्ट देना है। ये ले मामू, हमें भी तुझे गिफ्ट देना है। ए, ये ले, उड़ के निकल ले भिड़ू। क्या स्पीड है, ये एकदम मस्त। रुक जाओ, सांता ऑगी आ रहा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे स्पीड बढ़ा। ए, इस बार तो बिना गाड़ी के उड़ गया और फिर से गिर गया। कुछ भी हो जाए, ये गिफ्ट तो आज मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? जोर लगाना पड़ेगा, लगता है मुझसे नहीं होगा। ए, इधर आ। क्या भाई, तुमको नहीं जमता तो सांता क्यों बनते हो? चुपचाप मुझे नीचे ढके जाओ ना भाई। अब ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं वापस आ गया। तो रुको, मेरे पास दूसरा आइडिया है। अब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका मैं क्या करूं? आजा बिल्ले, तुझे मैं अंदर लेता हूं। अरे ये तो ऑटोमेटिक गया। मैं अपने आप क्यों फिसल रहा हूं? मैं तो आ गया, लेकिन ये जलने की बू कहां से आ रही है? मेरी पूंछ जला दी, कोई पानी लाओ। हाँ, अब जाके थोड़ी शांति मिली। ये क्या है? अरे सांता वेंटा ठीक है? जूस में कहे को बैठा? क्या ये जूस है? अगली बार दिखाई दिया तो तेरा जूस निकाल दूंगा। मेरी क्रिसमस। इस बार तो बिना किसी गलती के इन्हें गिफ्ट देकर ही रहूंगा। हाँ, जो भी कर रहे हैं जल्दी करो, टाइम का खोटी मत करो। आग भी बुझा दिया, जाओ अभी। हाँ, कोई है तो नहीं यहाँ? ए, क्रिसमस ट्री, चुपचाप इसी के नीचे गिफ्ट रख देता हूँ। ये क्या? ये कॉकरोच का वेलकम है मामू, अभी हम लोग असली हल्ला बोलेंगे। ए, नहीं, मुझ पे हल्ला मत बोलना, वरना मैं तुम पर हल्ला बोल दूंगा। तुम्हें पूरी तरह हिला के रख दूंगा, हिला हिला के मारूंगा, पटक पटक दूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा। मैं तो थक गया। कॉकरोचों की बैंड बजा दी। अब तेरी बैंड बजोगी ना बाबा। क्या कहा? मेरे बच्चों को रुलाया, अब तेरी बारी। टेंशन नहीं, मरम पट्टी अपन करेंगे। ये बिल्ला आया क्यों नहीं यार? आ गया हूँ मैं। इन कॉकरोचों ने मेरी बैंड बजा दी, लेकिन मैं अब इनकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि बैंड बजाने के लायक भी नहीं रहेंगे। लगता है सब भाग गए, अब काम पे भागो। चलो मेरे साथ, बहुत हो गया टाइम पास। टाइम पास तो अब अपन करेंगे। भागो, जल्दी से भागो। लगता है चले गए। आप उनको भी लगता है। तो उठो। नहीं, झुको। उठना मत मामू, बैंड बजा देंगे। इन लोगों ने तो मेरे सारे गिफ्ट्स की बैंड बजा दी। और हमारी भी। मेरी क्रिसमस सांता होगी। बोल। गाड़ी चोरी हो गई है, जल्दी से हमला करो। ओके, हो जाएगा। वाह, सांतापुर से निकला सांता बम। लगता है कॉकरोच हमेशा के लिए हो जाएंगे कम। बचाओ। मैंने कहा था अच्छा है। अपुन की बैंड बज गई। ऑगी सांता जिंदाबाद। चलो अब काम पे लग जाओ। ए, हम घर आ गए। ए, सांता, ये क्या? अरे तू आ गया, चलो मेरा भी खाना हो गया। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी दाढ़ी और टोपी दे दे, मैं घर जाता हूँ। बाय बाय। ये क्या? और सांता अंकल, ये लीजिए आपकी चाबी। हाँ दे दे। नहीं दूंगा। पर क्यों? इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। गिफ्ट किधर से लाऊं? ये वाला बॉक्स चिपका दो साहब। हाँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, अब मेरी चाबी दे। चलो भाई जल्दी चलो। ओके, लेट्स गो होम। हे, मेरा गिफ्ट, चलो देखते हैं इसमें क्या है। मेरी क्रिसमस।
बाहर भारी बर्फ बारी, अंदर बिल्ले की सजावट जारी। अच्छा वाह, कितना सुंदर है ये। आज मैं खाएगा मोमबत्ती नूडल्स। ये खेल देख माऊ, अपुन तो गिर गया। आज बिल्ले के लिए स्पेशल मोमबत्ती। ले बिल्ले। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाग बीड़ू। भागो जहां तक भाग सको, मैं भी भागूंगा। किधर तक भागेगा? अब तो मैं गिरूंगा, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ मामू, अब उनको छोड़ दे, अपुन सरेंडर है। तो मेरे घर के अंदर मत आना। अब शांति से बचे हुए काम करूंगा। चिकन पक रहा है, दूध रख दिया, वेरी गुड। ये कपड़ा बिछ गया है और टेबल भी सज गया है। 9 बज गए। ये रहा क्रिसमस का सरप्राइज गिफ्ट भैया के लिए। अरे ये बेलगाम गाड़ी किसकी है? हो ना हो इसका ड्राइवर बिल्ला ही है। मैंने कहा था। ओगी मेरा प्यारा भाई, ओगी फिकर मत करो, ओगी तेरा भाई पहुंच रहा है। ओए ये कौन आ गया बीच में? अबे हट जा। ओए हट ओगी। अरे मैं ही हट गया। ओए ओए ओए, मैं तो गया और मेरी प्यारी गड्डी भी। और चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं घर जरूर पहुंचूंगा। ओगी मैं आ रहा हूं। टाइम आउट हो गया। टेस्टी टेस्टी चिकन भी पक गया, दूध भी ले लिया, सब आ गया। लेकिन अब तक भैया नहीं आए, पता नहीं कहां रह गए। पर मुझे तो भूख लगी है, मैं शुरू करता हूं। कॉकरोच गैंग, मेरे मुंह से निवाला नहीं उतरेगा। बेचारे भूखे प्यासे कॉकरोच। कॉकरोच गैंग अंदर आ जाओ। बिल्ला मामू मर रहे। ये लो दूध पी लो। पी लिया, अब खाने कूदे बेचारे कॉकरोच। ओए बहुत भूख लगी है, जल्द से जल्द घर पहुंच के खाना होगा। ओए हट जा, खोद दूंगा। ओए हट जा, मैं आ रहा हूं। आगे खाना पीना मस्त था रे। थैंक यू। और ये गया पीछे, ये भी गया, ये भी। कुछ नहीं चाहिए, सब कूड़े में फेंक दूंगा। भीड़ लो भूखो। बिल्ला मामू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। ओह थैंक यू एंड सेम टू यू। और ये तेरे लिए गिफ्ट कॉकरोच गैंग की तरफ से। थैंक यू। क्या है इसमें? खाया हुआ खाना। कितना प्यारा है ये। मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। ये रहा कॉकरोच गैंग के लिए सरप्राइज गिफ्ट। एक बीड़ू, मामू ने क्या दिया था इसमें? कॉकरोच मारने का स्प्रे? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो कॉकरोच बिल्ला खेले। आज मैं कॉकरोच और तुम लोग बिल्ले। ओए मुझे छोड़ दो बिल्ले, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, पर तुझे स्प्रे करूंगा। ए मैं तो गया, ए मैं तो वापस आ गया। ओए लगता है मैं घर आ गया। ओए ये क्या, ये क्या चल रहा है मेरे घर में? नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या ले स्प्रे छोड़ दिया? ए मैं तो गया। मामू जल्दी से फोटो निकाल ले। स्माइल प्लीज। ओए इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा मैं, ये दरवाजा तोड़ दूंगा। ओए मेरा पैर ही टूट गया।
आज तो घर में जाऊंगा और कॉकरोचों को सबक सिखाऊंगा। ये क्या बात है? और मामू ये है क्या? कुछ नहीं, सेंटा क्लॉज आ रहा है। हुँ? क्या बात है मामू, सेंटा क्लॉज आ रहा है, जल्दी जल्दी उतर मामू। मामू ये सेंटा क्लॉज का पैर तो फ्रैक्चर है। ए, आ गया सेंटा क्लॉज। ये तो भैया है। ओए मैं इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा। ओए 12 बज गए। ओए मेरी क्रिसमस होती हूँ भैया। मेरी क्रिसमस कॉकरोचों, हमारी भी क्रिसमस मामू। मोमबत्ती जल गई है, अब सिर्फ केक काटने की देरी है। ये लीजिए भैया केक काटिए। ये तो बहुत बड़ा केक है, ये मत काट मामू। ए, केक वापस दे दे। तुम्हें कितना भी खिलाओ तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। चाहता रे बाबा, चले जाओ। चलो अब शांति है। केक बड़ा टेस्टी लग रहा है। ओए पहले तो एक केक खाता हूँ और अब ये मोमबत्ती भी खाऊंगा। भैया लो चला पटाखा आसमान में और शुरू हो गई आतिशबाजी। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हमारे भी क्रिसमस है बाबा। निकल जाओ यहाँ से। ठंडी के मौसम में ठंडा पीने का मजा ही कुछ और है। भैया मुझे भी दीजिए ना। ले ले पी ले तू भी, याद रखेगा। याद तो अब तू रखेगा बिल्ले। अच्छा है पापा, ये क्या हो रहा है? आजो बिड़ू, थोड़ी पेट पूजा कर ले। मस्त था रहा बाबा। क्या कहा? छोड़ूंगा नहीं बलवंत राय के कॉकरोचो। वाह बिल्ले, क्या निशाना लगाया है। जान बचा के, ये टनल तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। पर मेरा फ्रिज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ओए तू कहाँ आ गया? जल्दी से पैर चलाओ रे बाबा। ओए मैं कहाँ फंस गया? पापा कसम मैं इस पाइप को तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। मैं निकला पाइप लेके और हम मछली लेकर बाबा। ओए सिर्फ एक मछली का कांटा, एक मछली का कांटा आदमी को आग का गोला बनाता है और दर्द का गोला। फिक्र मत करो भैया, मैं आपको 2 मिनट में पिघला दूंगा। अबे बिल्ले, बर्फ पिघलानी है, नूडल्स नहीं उबालनी 2 मिनट में। ए, चुप कर वरना मैं तुझे ही उबाल दूंगा। कहाँ गया थर्मामीटर? हाँ मिल गया। पापा बिल्ले बुखार देखेगा या अपने भाई को फोड़ेगा? ये क्या भैया, आपको तो लाजवाब बुखार है। कोई बात नहीं भैया, आप घबराइए मत, इस दवा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुंह खोलिए, आ कीजिए, गुड बॉय। आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, आप आंख और मुंह बंद करके सो जाइए। गुड बाय। ए बिल्ले तू टेंशन नहीं लेने का, अपुन आ गया ना। इसीलिए तो डर रहा हूँ।
मुझे चिढ़ाया, मैं भी चिढ़ाऊंगा। वाह बिल्ले, बहुत होशियार है तू। तेरा ये बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा। चलो आगे काम शुरू करो। बूंदी वाला रायता तो सुना था, लेकिन बूंदी वाली जबान पहली बार देख रहा हूँ। बूंदी पे बूंदी, बूंदी पे बूंदी, कौन बूंदी? बेड़ो, ये मोजा 4 साल से नो वॉशिंग, इससे तेरा बुखार उल्टू गायब हो जाएगा। रुक जाओ, इसका कच्चा भी इसने 2 हफ्ते से नहीं धोया। ये लो डॉक्टर कॉकरोच का स्पेशल काढ़ा। चलो भागो। और भैया कैसा लग रहा है? अरे आपने अपना मुंह अब तक बंद नहीं किया, और ये क्या आपकी जीभ? तो आप तो बहुत बीमार हो गए हैं, आपको बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है। चलो और दवा बनानी पड़ेगी। ये गाढ़ा तो बहुत गाढ़ा है। आई लव यू भैया। मुझे बचाओ पापा। अरे मामू, पापा नहीं, हम लोग ही बचाएंगे तेरे को। उधर से चल बेड़ो, ऑपरेशन फिनिश। ओवर एंड आउट। मेरे प्यारे भैया, फिक्र मत करो, नई दवा आ गई है। ओए उसे यहां मत रख। नहीं नहीं भाई। हाँ भैया। See you soon. वाह बिल्ले, अब देख होगी दिवाली, ईद, क्रिसमस सब एक साथ। ये रात में सूरज देखेगा। ओए छोड़ दो मुझे बलवंत राय के कॉकरोचों। अरे मामू कैसी बात कर रहे हो, पेशेंट को केयर किए बिना कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। अबे रहम वहम नहीं खाते, अब भी खाना खाया, अब गाना गा। जमीन खिसक गई। अबे क्या हो रहा था? अबे बचाओ, बचाओ, बचाओ। बर्फ जम गई। अरे भैया, अब तो मुझे लगता है आपका जन्म ही जमने के लिए हुआ है। कहाँ गया वो त्रिशूल वाला थर्मामीटर?